हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक रस्तोगी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कि MI की तरफ से आने वाला ये मी बॉक्स 4K। ये 4K रेजोल्यूशन तक की सपोर्ट करता है और बहुत ही फास्ट आपकी स्ट्रीमिंग करता है अगर आपका इंटरनेट काफ़ी अच्छा हो। और काफ़ी ढेर सारे इसके अंदर फीचर हैं, तो आज हम देखने जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और क्या क्या बॉक्स कॉन्टेंट होता है, किस तरीके का हमारे ये MI बॉक्स होता है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस की अपडेट आपसे कभी भी मिस ना हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा MI का जो बॉक्स आता है 4K। ये 4K को सपोर्ट करता है। इसकी सबसे खास फीचर्स यही है कि ये 4K स्ट्रीमिंग कर देता है बहुत ही आराम से। आज इसकी अनबॉक्सिंग ओवरऑल देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सारे ऐप्स का जो आपको है वो सपोर्ट दिया जा रहा है इस तरीके से। YouTube, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, प्राइम, ये सारे के सारे ऐप्स यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको बॉक्स मिलेगा, एक रिमोट मिलेगा, एक HDMI केबल मिलेगी और एक पावर एडाप्टर आपको मिलेगा। ये है बॉक्स कॉन्टेंट। और यहाँ पर देख सकते हैं क्रोम कास्ट बिल्ट इन, इसमें आपको क्रोम कास्ट का भी फीचर दिया जा रहा है और गूगल असिस्टेंट का भी फीचर दिया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इस साइड में देखते हैं तो आपको HDMI और वाईफाई स्टार्ट स्क्रीन, सिर्फ 3 स्टेप में आपको HDMI लगानी है, वाईफाई को कनेक्ट करना है और स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर देनी है। तो सिंपली आज हम इसको अनबॉक्स करते हैं, तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या बॉक्स कॉन्टेंट मिलने वाला है। तो ओपन करते हैं हम इस तरीके से बॉक्स को। तो यहाँ पर देखिए, यूज़र मैनुअल रखी हुई है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये है हमारा मेन बॉक्स, तो इसको रखते हैं हम साइड में और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ये आपको एक HDMI केबल मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल रही है, प्रीमियम क्वालिटी की एक HDMI केबल आपको मिल रही है। ये आपका पावर एडाप्टर यहाँ पे देख सकते हैं, ये कौन सा, ये सिंपल जैक टाइप में एक पोर्ट दिया है, तो इस तरीके से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका ब्लूटूथ रिमोट होता है, ब्लूटूथ के जरिए आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने बॉक्स के थ्रू। ये कहीं भी आपको ऐसा नहीं, सामने इसके IR सेंसर की तरीके से नहीं काम करता, आप कहीं से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेन बॉक्स हमारा ये है। इसमें आप को देखते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेफ्ट राइट साइड में भी कुछ नहीं, बैक साइड में आपको ये पोर्ट दिख रहे हैं। एक ऑडियो का मिल रहा है जो कि 3.5 mm जैक है, जिससे आप अपने म्यूज़िक सिस्टम वगैरह को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। एक आपको HDMI पोर्ट मिलता है, एक आपको USB पोर्ट मिलता है जिससे आप USB वगैरह अपनी इसमें चला सकते हैं। और ये आपको पावर पोर्ट मिल जाता है। तो सिंपली ये बॉक्स है बहुत ही छोटा सा और एक लाइट बॉक्स है। आप इसको कहीं से भी अपने TV के पीछे भी छुपाना चाहें तो छुपा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे अच्छी इसकी खास बात है कि इसमें आपको 2 GB की RAM मिलती है और 8 GB की स्टोरेज मिलती है, जिसमें आपका OS लगभग 4 GB के आसपास आपका OS होता है। तो 4 GB आपको ही स्पेस इसमें आपको देखने को मिलता है। तो काफ़ी स्मूथ चलता है ये बॉक्स। जो MI की स्टिक आती है वो आपको 1 GB RAM पे ही होती है, उससे काफ़ी बेहतरीन चलता है, काफ़ी स्मूथ रहता है। तो ये इसकी ओवरऑल अनबॉक्सिंग है। तो बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल पर बने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ की अपडेट आपसे कभी भी मिस ना हो। थैंक यू।